नमस्कार भाइयों। तो भाइयों 575 ट्रैक्टर है और 13 टाइन के कल्टीवेटर पर चल रहा है, आप सामने देख सकते हो। तो भाइयों 575 पर पहली बार देख रहे होंगे आप 13 टाइन का कल्टीवेटर, और जौन सी जमीन में चल रहा है जी, बहुत तगड़ी जमीन। गहराई भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है गहराई नहीं है, देख सकते हो आप। और कल्टीवेटर इसके हिसाब से बहुत बड़े हो जाते हैं, मात्र 45 HP का ट्रैक्टर है। तो भाई आप सामने देख सकते हैं 575 ट्रैक्टर चल रहा है, और भैया से जानेंगे दो चार बातें कि ट्रैक्टर कैसा चल रहा है कैसा नहीं, क्या बात है। तो भाइयों ये 13 टाइन के कल्टीवेटर पर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है जी चलता हुआ, और RPM भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल से RPM पर चल रहा है। ठीक है ठीक है। तो आप जैसे 575 मात्र 45 HP का ट्रैक्टर है और 13 टाइन का कल्टीवेटर चला रहे हो, बढ़िया चल रहा। कुछ लोग ऐसे बताओ हैं कि इसकी सेंसिंग अच्छी ना हो, सेंसिंग अच्छी नहीं। हाँ ये मान सके हैं, सेंसिंग के साथ के लिए दूसरा ट्रैक्टर भी हमारे पे। कौन सा? 855 है उसकी। सही है, बढ़िया चलाओ, चलाओ तो चलाओ। तो भाइयों भैया के पास में इतना टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फार्म बहुत बड़े बड़े हैं, देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा खेत है और पूरा खेत जोतना है, इस वजह से कम समय दे पाए। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो जी, मामूली बात नहीं है जी इतना बड़ा कल्टीवेटर। बाकी पहले हैरो से जोता हुआ खेत है, लेकिन ये ज़मीन भी लोहा मान सकते हो आप एक तरीके से। तो भाइयों ये L टाइप के कल्टीवेटर हैं, पंजाब के बने हुए, यहाँ पे ये सरदार लोग हैं, बड़े पैमाने पे खेती करते हैं और ये इसी तरह के कल्टीवेटर चलाते हैं जी। तो भाइयों मेरे हिसाब से ये जो तरीका है जुताई करने का वो गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है और ये यहाँ तक का बस फाट रखा है और गोल घुमाया ट्रैक्टर अंदर अंदर। अगर ये गोल ही घुमाना था अंदर अंदर तो कम से कम आधे खेत का तो फाट इन्हें भरना चाहिए था, क्योंकि अब ज़्यादा बार घूमेगा ट्रैक्टर, ज़्यादा बार घूमेगा तो देख सकते हो ब्रेक पर घुमाया जैसे ट्रैक्टर तो RPM ड्रॉप किए ट्रैक्टर ने। तो भाइयों RPM ड्रॉप किए तो तेल की भी खपत ज़्यादा करेगा ट्रैक्टर। तो ये सब बातें हैं, बाकी हमने तो इतने बड़े फार्म में कभी ट्रैक्टर चलाया नहीं, हो सके भैया का तरीका थोड़ा सा सही हो, बाकी आप अपनी राय ज़रूर देना। तो भाइयों अगर वो बड़ा फाट भरा जाता है, मान के चलो देख सकते हो आप कितना बड़ा खेत है, तो आराम से जो ट्रैक्टर घूमता रहता। तो भाइयों 555 ट्रैक्टर है इनके पास में भी अर्जुन। तो भाइयों ना तो ज़मीन की कमी है यहाँ, और ज़्यादातर महिंद्रा ट्रैक्टर हैं। तो भाइयों देख सकते हो आप RPM ड्रॉप कर जाता है ट्रैक्टर बार बार। तो भाई हम आपको लगातार खादर क्षेत्र की वीडियो दिखा रहे हैं जी, अब हमने आपको आज 575 ट्रैक्टर 13 टाइन के कल्टीवेटर पर चलता हुआ दिखाया है। तो भाइयों 4-व्हील भी मिले हमें ट्रैक्टर, और ज़्यादा बड़े भी मिले, 60 HP मिले, 55 HP भी मिले, 50 भी मिले, लेकिन 11 टाइन के कल्टीवेटर मिले जी सबके ऊपर। ये 13 टाइन का कल्टीवेटर चल रहा है जी, इतनी गहराई के साथ में तो चल नहीं रहा है लेकिन फिर भी। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस कल्टीवेटर पर इसकी सेंसिंग सही है जी, बाकी आप गौर से देखो और बताना कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके की है नज़दीक आने के बाद में, क्योंकि जिस तरीके के झटके इसकी हाइड्रोलिक मारती है 575 की, उस तरीके की ये मार नहीं रहा। तो भाई ये देख सकते हो जब कल्टीवेटर ऊपर उठाने के बाद में जो ट्रैक्टर मोड़ा जाता है तो RPM थोड़े से ड्रॉप करता है ट्रैक्टर, लेकिन हो सके इस तरीके से थोड़ा तो समय कम लगता हो, लेकिन अगर और ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा फाट भरा जाता, मान के चलो अगर पूरे खेत में ही घुमा देते ऐसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा कम समय लगता। तो भाइयों अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।